यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे फास्ट एंड फ्यूरियस फेम अभिनेता विन डीजल। फिल्म सीरीज फास्ट एंड फ्यूरियस से पॉपुलर हुए मशहूर हॉलीवुड एक्टर विन डीजल इन दिनों एक विवाद में फंस गए हैं। विन डीजल की पूर्व सहकलाकार एस्टा जॉनसन ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2010 में उनका यौन उत्पीड़न किया गया था। विन डीजल के खिलाफ लॉस एंजल्स कोर्ट में मुकदमा भी दायर किया गया है। वर्ष 2010 में विन डीजल और एस्टा जॉनसन ने फिल्म फास्ट फाइव के लिए एक साथ काम किया। पीड़िता ने शिकायत में दावा किया है कि उसका अटलांटा होटल में फिल्मांकन के दौरान यौन उत्पीड़न किया गया था। लॉस एंजलिस की कोर्ट में दायर शिकायत के मुताबिक विन डीजल ने एक होटल में एस्टा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। एस्टा के शारीरिक रूप से अंतरंग होने से स्पष्ट इनकार के बावजूद विन डीजल ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसका यौन उत्पीड़न किया। एस्टा के वकीलों के कोर्ट में दायर की गई शिकायत में इस घिनौनी घटना का पूरा विवरण बताया गया है। एस्टा जॉनसन ने बताया कि उन्हें शारीरिक संबंध बनाने के लिए उकसाया गया था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। विन की पूर्व असिस्टेंट का कहना है कि उस घटना के कुछ ही घंटों के बाद एक्टर की बहन सामंथा विंसेंट ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। सामंथा विन के वन रेस प्रोडक्शंस की अध्यक्ष भी हैं। एस्टा जॉनसन के वकील क्लेयर कटली ने एक लिखित बयान में कहा, इस मामले में पीड़िता ने आगे आकर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ बोलने का जो साहस दिखाया है, उससे अन्य पीड़ितों को ताकत मिलेगी। हॉलीवुड की बेहद लोकप्रिय फिल्म सीरीज में से एक है फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस। इस फिल्म के अब तक 10 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस के सातवें एपिसोड में भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी काम किया है।